पैकेज अभी तो बोलेगा। अच्छा क्या करें, केजरीवाल, केजरीवाल के नाम से वो बन गए थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं हो बनाए कुछ नहीं। अब जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, टिकट का बंटवारा हो रहा है, इस बार क्या दिल्ली में आपको हवा लग रही है? अभी कुछ माहौल पता नहीं है, कौन जीतेगा वो कुछ पता नहीं है इसमें आपको कुछ। ये आप लोग तो इस इलेक्शन पीरियड में तो यहाँ तो आते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी क्या? एक मिनट, क्या कह रहे भाई? ये कह रहा हूँ आपको कि इलेक्शन के समय जब पार्टियाँ आती है तो सारे न्यूज वाले सारे पार्टियाँ जो है अपनी अपनी ग्रुपिंग करके भेज देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन से पहले यहाँ झुग्गी वासियों से कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या समस्या है झुग्गी वासियों को, उस समय कोई भी न्यूज वाले नहीं आते हैं। नेता, नेता तो छोड़िए, नेता तो अपनी जगह पर है। जब आपने सब डिजिटल दुनिया में आप जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया लेके आप घूम रहे हैं, तो क्या उस पीरियड में भी आपको आके यहाँ के संशोधन समस्या तो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? देखते भी हैं है? कहाँ, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम ये पूछने जरूर आते हैं कि जिसको आपने 5 साल 10 साल चुना, वो आपके जरूरत के समय, आपके दुख दर्द के समय था या नहीं था? इसी बात समय, उस समय अगर आप पूछा करते तो आप अगर टीवी पर या न्यूज पर इस तरह की भाषा देते तो वो विधायक जरूर दौड़ के आता कि हमारे फील्ड में क्या हो रहा है। हमारे कम से कम पटपरगंज के और यमुना पार के उस इलाकों में बाढ़ के समय हमने तो दिखाया है, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ। आपने दिखाए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं दिखाते हैं, लेकिन जितने समय अभी आप सोच रहे हैं कि किस पार्टी की बहुमत होगी, इस पर आप लोगों का राय लेना चाहते हैं। अभी जब अंधेर बूंद में पड़ा हुआ है तो उसको कौन आपको खुली कर देगा? ना, हम मोटे तौर पर ये जानना चाह रहे हैं, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया 3 बार विधायक रहे और इस बार उनका टिकट बदल गया, वो आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, वो जंगपुरा चले गए, पटपड़गंज की जनता क्या इसको सोचती है कि ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया, पहली बात? और दूसरी बात, डिप्टी सीएम के तौर पर उनके काम काज को आप लोग कैसा देखते हैं? देखिए, काम काज अपने समय पर उन्होंने जो किए वह किस आधार पर किए, अपने फील्ड में तो कुछ नहीं किए, एक रोड बनवा दिए परवाना रोड पर सौंदर्य के लिए उनके, और प्रारंभिक जो यहाँ झुग्गी वासियों का नेहरू कैंप में चाहे किसी भी झुग्गी वासियों को वहाँ जाके पूछिए कि वहाँ समस्या क्या हो रही है, वहाँ की कोई समस्या निदान नहीं हुई है। मोदी जी बोलेंगे घर घर नल लगेंगे, आप तो हर जगह नल दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर नल कहाँ है घर घर? यहाँ तो आज तक नल का नाम का कोई सुन के भी नहीं आया है कि क्या हो रहा है। पानी का क्या सप्लाई है? पानी की वही 2 घंटा सप्लाई है, वही पानी पी रहे हैं गटर का। पानी का, बिजली और पानी का जो बिल माफी का कहते हैं, बिजली जो, देखिए बिजली तो माफी जहाँ तक है ही है, जैसा यूटिलाइज हम करेंगे उस तरह से बिल आएगा। पानी बिजली का बिल आता है आपका कि नहीं? बिजली का बिल आता है, यूज करने के बाद जितना आप, अगर हम आप 300 यूनिट देते हैं, 300 यूनिट से अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो बिल आपका आता है। बिजली पानी का बिल मेरा तो नहीं आता है, हम किराए पर हैं इसलिए। चलिए ठीक है, हाँ जी आप भी आ गए। बताएं सर, आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं नेहरू कैंप में। क्या हाल चाल है इधर? अरे चुनाव आया है तो हम भी आए पता करने कि इस बार क्या लग रहा है आपको। नाम आपका? सुना नाम राजीव रंजन। राजमन सर, वही तो मैं फेस से देख रहा हूँ तो मैंने कहा कि और बताएं आप, मैं बताऊँ यहाँ की हाल, यहाँ का और चुनाव का और सिसोदिया की सीट बदलने का। सिसोदिया जी का तो ये जानिए कि सर 10 साल हो गया उनको, और जब पहली बार वो आए थे यहाँ पर तो उन्होंने जनता से यही कहा था यहाँ पर कि भाई मैं एक साधारण आदमी हूँ और दूसरे नेता की तरह नहीं, मैं यहाँ पर जो है चना फाँकते हुए मूँगफली खाते हुए आपको यहाँ पर हर हफ्ते नज़र आऊँगा। सत्य यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं एक बार केवल 10 मिनट के लिए वो आए, वो भी यहाँ बाहर आए और यहीं से बातचीत करके वो चले गए। क्यों? अरे नहीं, मेरी बात में 10 यहाँ पर आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा आए नेहरू। अरे आप भी बोलिएगा,
नेहरू कैंप में उन्होंने कोई भी घूम घूम करके ना किसी से हालचाल जाना, पूरे 10 साल के अंदर में एक बार भी वो यहाँ पर गली नहीं घूमे, एक बार भी किसी के घर नहीं गए। अब रही बात पानी, हम लोगों को पानी यहाँ पर 24 आवर्स आता था, पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वो जो भी वो उनका तरीका था करने का। पानी यहाँ जो आ रहा है वो 2 टाइम आ रहा है और वो भी बिल्कुल गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान इस चीज़ से हैं कि एक तो गरीब लोग हैं, ज़्यादा होता है तो बाहर से पानी खरीद करके लाते हैं बोतल का और वो यहाँ पर आदमी पीते हैं। बिजली की हालात यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा कि बिजली मैं फ्री दे रहा हूँ, अच्छी बात है, आते भी लोगों के 0 बिल, लेकिन यहाँ पर जितने लोगों के बिल अधिक आने के कारण मीटर काट करके ले गया, किसी भी आदमी का यहाँ पर मीटर दोबारा से नहीं लगा। यहाँ तक कि जब बिजली दफ्तर जाते हैं लोग, वहाँ से कहता है कि भैया एक काम करो, सिसोदिया जी के ऑफिस से लेटर लेके आओ। और जब लोग यहाँ से बुला दे रहा हूँ महिलाओं को पुरुषों को, जब यहाँ से लेटर लेकर के जाते हैं ऑफिस में, कहता है अरे हटाओ ये लेटर, तो ऐसे आते रहते हैं यहाँ पर। सत्य है ये जो बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल सामाजिक बात कर रहा हूँ अभी मैं आपसे। ना यहाँ पर एक बार यहाँ पर रोड बनी, ना यहाँ की नाली बनी, ना यहाँ के शौचालय में 1 रुपये का कोई काम हुआ। अगर यहाँ की शौचालय को कोई देख ले तो मैं कहता हूँ कि मैं रहता हूँ नेहरू कैंप में, लेकिन हमारे कभी कोई दोस्त भी आ सकते हैं, रिश्तेदार आएंगे चलो वो थोड़ा सा झेल लेंगे, बट अगर कोई फ्रेंड सर्कल का लोग आता है वो अगर इस शौचालय में चला जाएगा ना, निकलने के बाद वो एक ही बात कहेगा, यार कैसी गंदी जगह पर साला ये लोग रहते हैं, कीड़े मकोड़े के सही से यहाँ की ये हालात है। अगर एक भी काम 10 साल के अंदर हमारे नेहरू कैंप में हुआ, इसीलिए आपको लगता है क्या कि बदल दिया सीट? हाँ बिल्कुल, वैसे आदमी को अगर कोई भी आदमी वोट करता है, वैसे नेता को कोई भी आदमी वोट करता है तो किस आधार पे करेगा? अब ये जो नए वाले आए हैं अवध ओझा, इनको जानते हैं? देखिए अवध ओझा सर को बहुत अच्छा सर जानता हूँ, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ इस एज में, लेकिन काफ़ी उनका वीडियो देखता हूँ, उनके एक नहीं 100 बातें बता सकता हूँ। उनकी बातों से काफ़ी प्रेरणा मिलती है, लोगों को उत्साह मिलता है, और वैसा आदमी मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, वैसे आदमी को अगर टिकट मिलता है, मिल गया तो किसी भी आदमी को, किसी भी आदमी को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म से हो, उसको खुल करके उस आदमी को वोटिंग करना चाहिए, अगर वो आदमी अपने बच्चों का भविष्य चाहता है तो। अन्यथा आदमी राजनीति करता रहे, पौवा लेकर के वोट देता रहे, पैसा लेके वोट देता रहे, डर के मारे वोट दे। अच्छा, इसका मतलब आपके मनीष सिसोदिया का टिकट अवध ओझा को जो दे दिया काट करके, तो उससे आम आदमी पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी जो वो थी वो बचाने का काम कर लेगी 100%। उस आदमी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो आदमी अपना छाप छोड़ेगा, ना कि पार्टी का। और ये स्कूल कॉलेज, स्कूल और अस्पताल इधर ठीक हुए हैं कि नहीं? ना ना, इस मानना पड़ेगा कांग्रेस की सर, मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो काम पूरी दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने स्कूल के लिए किया है, क्योंकि आज हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े, कल हमारे बच्चों के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, जो काम यहाँ पर स्कूल का आम आदमी पार्टी सरकार में आने के बाद किया गया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। और ये जो चुनाव हो रहा है उसके बाद सरकार की क्या उम्मीद है किसकी? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए केजरीवाल जी जेल गए, उन्होंने यहाँ पर जो उस समय दारू के ठेके खुलवाए, जो उन्होंने लोगों, यार हम क्या अब सब पीछे का नहीं, अभी ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो चुनाव होने वाला है आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी चौथी बार भी सरकार में आएगी? मुश्किल है, हमें तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स को चेंज किया है वो सत्ता में आ जाएगा।